तो दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पर Redmi 12 5G और आज इस वीडियो में हम जो है इस फोन का वाटर टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो फोन है वो हमारा वाटर टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम अपने फोन को जो है बुक से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने बुक्स को ओपन करा और ये रहा हमारे यहाँ पे फोन। उसके अलावा हमें बुक्स से कुछ नहीं चाहिए तो बुक्स रखते हैं साइड में और इसको यहाँ पे अनरैप करके इसको फोन को भी यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और आप देखते हैं बैक साइड से एकदम ब्रांड न्यू और क्या बढ़िया लग रहा है और फ्रंट साइड से भी आप देखते हैं बिल्कुल ओके है एकदम। और मैं इसके यहाँ पे अनलॉक करूँ तो आप देखिए टच वगैरह सब कुछ यहाँ बढ़िया काम कर रही है। और मैं कैमरा को ओपन करूँ देखिए बैक कैमरा और यहाँ फ्रंट कैमरा दोनों कैमरे यहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अब करते हैं इसके यहाँ पे वाटर टेस्ट स्टार्ट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे जो है एक बाउल चाहिए जो ये रहा, इस रखते हैं यहाँ पे और इसके रखते इसके अंदर हम अपने फ़ोन को यहाँ पे रख देते हैं कुछ इस तरीके से। और अब जो है इसमें एक जगह मैं टोटल दो मिनट का वाटर टेस्ट करने वाला हूँ। पहले मुझे पता है कि वाटर प्रूफ नहीं है, उसके बाद मैं वाटर टेस्ट कर रहा हूँ, बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ। पहले वाटर टेस्ट स्टार्ट कर दें इसका। तो उसके लिए हमें पहले दो जग पानी इसके अंदर डाल देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे जो है एक जग पानी डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये एक जग पानी तो मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ मैं टाइमर को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ और एक जग पानी अब मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो जग पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं फ़ोन को सेंटर में कर देता हूँ ना। हाँ तो अभी मैंने दो जग पानी इसके अंदर डाल दिया, 11 सेकंड हो चुके हैं। टोटल मैं दो मिनट का वाटर टेस्ट करने वाला हूँ। मुझे पता है कि ये फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, उसके बाद मैं इसका वाटर टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्या बात क्या होता है ना कि कभी कभी जो है हमारा फ़ोन कई बार बारिश में भीग जाता है या फिर कई बार कहीं पानी इकट्ठा हो या बाल्टी हो उसके अंदर हमारा फ़ोन गिर जाता है। तो लगभग हम एक मिनट या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो मिनट के अंदर अपने फ़ोन को जो है बाहर निकाल लेते हैं। हमें बस ये चेक करना है कि उन दो मिनट के अंदर अंदर क्या हमारा फ़ोन सर्वाइव कर पाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बस उस चीज़ को चेक करने के लिए मैं इसका वाटर टेस्ट कर रहा हूँ और इसलिए मैं अभी आपको इसके अंदर मतलब इस वीडियो में कोई भी कट नहीं देने वाला। जब तक मैं इसका वाटर टेस्ट कर रहा हूँ उसके बीच में कोई भी कट नहीं दूंगा। कंटिन्यू दो मिनट तक इसको जो है वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा जिससे आपको पता लगे कि मैंने जो है इसे बाहर नहीं निकाला और एग्जैक्टली दो मिनट तक मैंने इसको फोन पानी के अंदर रखा हुआ है। तो अभी देख सकिए आप जो है देखिए जो है 50 सेकेंड हो चुके हैं, 55 सेकेंड हो चुके हैं और अभी एक मिनट लगभग होने वाला है और एक मिनट अभी और रखेंगे। लेकिन बाई चांस अगर आपका फ़ोन कभी भी इस तरह पानी के अंदर गिर जाए तो उसके बाद जो अपने फ़ोन को चावलों के बुक में स्विच ऑफ करने के बाद पहले तो साथ साथ इसको स्विच ऑफ कर दीजिएगा। स्विच ऑफ करने के बाद चावलों के किसी डब्बे के अंदर डाल दीजिएगा कम से कम 24 घंटे के लिए, क्योंकि जो चावल होते हैं ना वो सारा का सारा पानी जो है सोख लेते हैं, उससे जो आपका पानी जो है इसके अंदर सोख हो जाएगा। उसके बाद जो इसको ऑन करिएगा उस जब अगर पानी में गिर जाए, क्योंकि फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पर लगभग 1.5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बस 30 सेकेंड हो रहा है, फिर इसके बाहर निकालेंगे। फिर इसका माइक कैमरा और स्पीकर और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, पावर बटन, सब कुछ सब चेक करेंगे कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले हो जाइए दो मिनट फिर निकालेंगे इसको बाहर। तो अभी एक मिनट जो है 1 मिनट 45 सेकेंड यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, बस 15 सेकेंड और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गए 50 सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जल्दी बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ टाइम, तो यहाँ पे हमारे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो अपने फ़ोन को हम बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। वैसे टच वगैरह इसके अंदर नहीं काम कर रही है क्योंकि पानी का टच वगैरह काम नहीं करती है। तो ये हमने फ़ोन बाहर निकाल लिया। मैं अब जो है यहाँ पर टाइमर को भी स्टॉप कर देता हूँ और जो है थोड़ा झाड़ लेते हैं इसको अच्छे से, ताकि थोड़ा बहुत पानी अगर इसके अंदर घुस गया हो तो निकल जाएगा, क्योंकि उसके बिना टच काम करने वाली है नहीं, क्योंकि पानी इसके ऊपर हुआ टच नहीं काम करेगी। तो आप देखते हैं अभी तो हमारा फ़ोन यहाँ बढ़िया काम कर रहा है, टच वगैरह सब कुछ सही काम कर रही है देखिए। और मैं इसको यहाँ पे इसको ऊपर करूँ तो यहाँ भी टच सही काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर मैं यहाँ कैमरे को ओपन करूँ तो यहाँ बैक कैमरा बढ़िया काम कर रहा है इस टाइम और फ्रंट कैमरा भी यहाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे फ्लैश को ऑन करूँ तो ये फ्लैश कहाँ, इसकी फ्लैश ये रही, तो हमारी फ्लैश भी यहाँ सही काम कर रही है। और अगर अब हम देखें फिंगरप्रिंट सेंसर को, पहले वॉल्यूम बटन देखें तो वॉल्यूम बटन अप डाउन बटन दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब अप भी जा रहा है और यहाँ डाउन भी आ रहा है, देखिए दोनों चीज़ें बढ़िया काम कर रही है। और पावर बटन तो खैर काम कर ही रहा है। और अब फिंगरप्रिंट सेंसर को देखते हैं कि मैंने अंगूठे का फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो ये काम कर रहा है, हाँ खुल गया, दोबारा करते हैं एक बार बंद करके, तो हाँ ये काम कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब जो स्पीकर अटैच करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ वीडियो के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं जो भी बोलूँगा अगर इसका माइक वगैरह ठीक होगा तो यहाँ पे जो है इसके अंदर वो जो है रिकॉर्ड हो जाएगा और इसके स्पीकर की मदद से हम सुन लेंगे कि भी वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और जाता हूँ वीडियो मतलब गैलरी के अंदर यहाँ पे। तो ये गैलरी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे प्ले कर देते हैं इसको और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अगर इसका माइक वगैरह ठीक होगा तो यहाँ पे जो है इसके अंदर वो जो है रिकॉर्ड हो जाएगा और इसके स्पीकर की मदद से हम सुन लेंगे कि भी वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है मैं
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरे को मेरी आवाज़ सुन रही है, मतलब कि जो मैंने बोला वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, और साथ साथ स्पीकर से भी आवाज़ आ रही है क्योंकि वो मैंने सुन भी लिया कि जो रिकॉर्ड हुआ है। तो मतलब स्पीकर और माइक तो यहाँ दोनों के दोनों बढ़िया काम करें। अब क्या करते हैं, अब जिसका जो है चार्जिंग पोर्ट ये चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी जो डाटा केबल है वो मैंने इसके बुक से निकाल ली है और मैंने अपने पावर बैंक में कनेक्ट कर दी है। तो आप देखते हैं कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं इसको लगाया यहाँ पे और यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए चार्जिंग हो रहा है, मतलब जो हमारा चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे चल रहा है। तो मतलब सब कुछ सही है इस टाइम, अभी तक तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, अभी सब कुछ यहाँ बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आई, मतलब अगले हफ्ते तक जब मैं इसका जो है इसका ड्यूरेबल टेस्ट करूँगा, उससे पहले इसमें कोई भी दिक्कत आई तो आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी कमेंट या कम्युनिटी टैब में या फिर डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो। लेकिन फिलहाल तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, सब कुछ सही चल रहा है। बाई चांस अगर आई भी तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो फिलहाल तो इसने जो हमारा यहाँ वोडो टेस्ट सर्वाइव कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस फोन का ड्यूरेबल टेस्ट करने वाले हैं, ड्यूरेबल टेस्ट के अंदर हम जो इसका स्प्लैश टेस्ट करेंगे, स्क्रैच टेस्ट करेंगे और ड्रॉप टेस्ट करेंगे, और साथ साथ उससे अगली वीडियो में बैंड टेस्ट वगैरह भी होगा, एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट भी होगा, तो वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों फिर बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।